घर का लड़का, घर का पुरुष, घर का पिता, घर का भाई, घर का बेटा, घर का पुरुष अगर जहर खाने को तैयार होता है ना, विष पीता है ना, तो वो ये नहीं जानता कि ये विष केवल तू अकेला नहीं पी रहा है, ये विष तू तो पीकर मर जाएगा पर तेरे पीछे जो पूरा परिवार जुड़ा है वो भी मरे के बराबर हो जाएगा। वो नहीं समझता इस चीज, वो इस चीज का स्मरण नहीं कर पाता, वो इन बातों को ध्यान नहीं दे पाता। और उसको ध्यान दिलाने वाली केवल एक घर की नारी होती है, एक स्त्री होती है, एक माँ होती है जो ध्यान दिलाती है। शंकर भगवान के हाथ में विष का पात्र आया, देवदत्त महादेव विष पीने वाले थे, माता पार्वती दौड़ कर आई और शंकर जी के सामने आकर खड़ी हो गई। ऐसा क्या, ऐसा क्या जो आपको विष पीना पड़ रहा है आपको? शंकर भगवान कहते हैं ये मंथन में निकला हुआ विष है और समुद्र मंथन में निकला हुआ विष है, इस विष को मुझे पीना ही पड़ेगा। किसके लिए पी रहा है, किसके लिए ये विष, किसके लिए? शंकर भगवान कहते हैं कि सारे देवताओं के हित के लिए, सारे संसार के हित के लिए मुझे यह विष पीना पड़ेगा। पार्वती जी कहती हैं इससे संसार का हित नहीं हो रहा, आपके हृदय में संपूर्ण ब्रह्मांड समाया हुआ है, अगर आप विष पियोगे तो ब्रह्मांड में जितने भी जीव जंतु हैं, जितने जलचर हैं, जितने थलचर हैं, जितने संसार के जीव जंतु आपके हृदय में निवास करते हैं, ये संपूर्ण ब्रह्मांड जो आपके हृदय में निवास करता है, विष पीते से सारे जीव जंतु विषैले हो जाएंगे और मर जाएंगे। अगर वो विष कंठ से नीचे उतर गया तो हृदय से होता हुआ उधर में जाएगा और उधर में संपूर्ण ब्रह्मांड का भरण पोषण है, संपूर्ण ब्रह्मांड। उस उदर में संपूर्ण ब्रह्मांड का भरण पोषण संपूर्ण, और यदि वो विष उस ब्रह्मांड के भरण पोषण में जाएगा तो भी जीव नष्ट हो जाएगा, तो भी संसार नष्ट हो जाएगा। तो भगवान शंकर हाथ में विष लिए हुए हैं और पार्वती जी से पूछते हैं अब इस विष का मैं करूं क्या, इस विष का मैं क्या करूं, इस विष का मैं करूं तो करूं क्या? माता पार्वती जी कहती हैं आप विष पियो, मैं कंठ में बैठकर इस विष को झेल लूंगी, और कंठ में रहकर अगर मैंने विष को झेल लिया, इस विष को मैं नीचे नहीं उतरने दूंगी, क्योंकि पूरा ब्रह्मांड विषैला हो जाएगा, पूरा संसार नष्ट हो जाएगा, पूरा ब्रह्मांड, पूरा संसार। दुनिया के लोग कहते हैं सबसे ज्यादा जहर घर के पुरुष को पीना पड़ता है, सबसे ज्यादा दुख घर के पुरुष को झेलना पड़ता है, सबसे ज्यादा तकलीफ घर के पुरुष को झेलना पड़ती है, पर शिव महापुराण की कथा कहती है सबसे ज्यादा दुख और तकलीफ अगर कोई झेलती है तो घर में रहने वाली नारी झेलती है, स्त्री झेलती है। एक स्त्री, एक घर में रहने वाली नारी, घर में रहने वाली माँ, घर में रहने वाली पत्नी, घर में रहने वाली बहन, घर में रहने वाली बेटी, घर में रहने वाली दादी, घर में रहने वाली नानी, वो जितना दुख वो झेलती है उतना दुख संसार में कोई नहीं झेल सकता। कोई, चलो मेरी जीजियों उत्तर देना आप लोग, 16 सोमवार का व्रत कौन करता है, पुरुष की स्त्री, जम के बोलते जाओ जरा, स्त्री। वैभव लक्ष्मी का व्रत कौन करता है, स्त्री। तीज का व्रत कौन करता है, चतुर्थी का व्रत कौन करता है, छठ का व्रत कौन करता है, स्त्री। सोमवार मंगलवार बुधवार कौन करता है, स्त्री। अब इसको क्या पढ़ी तुमको, पढ़ा क्या आखिर कि तुम व्रत कर रही हो, तीज का व्रत करो, चतुर्थी का व्रत करो, पंचमी का व्रत करो, छठ का व्रत करो, हरतालिका तीज का व्रत करो, इसका व्रत करो, उसका व्रत करो, तुम्हें क्या पढ़ी? पर केवल एक नारी, एक स्त्री ऐसी होती है जो व्रत भी करती है तो खुद के लिए नहीं करती, अपने पति, अपने बच्चे, अपने परिवार के हित के लिए करती है। एक स्त्री भी व्रत कर रही है तो परिवार के हित के लिए, अगर उसने व्रत भी किया है तो अपने परिवार के, अपने कुटुंब के हित के लिए करा, परिवार के। माँ जगत जननी माता पार्वती कंठ पर आकर बैठ गई, कंठ हृदय में पूरा ब्रह्मांड समाया है मेरे देवाधिदेव महादेव के, पूरा पार्वती जी बैठ, और हमारा विश्वास कहता है इतनी चिलचिलाती हुई धूप में 46-47 टेम्परेचर में ये लाखों की संख्या में आप लोग आए हो, और इसमें सबसे ज़्यादा संख्या मेरी माताओं की, मेरी जीजियों की है, सबसे ज़्यादा, और मेरी जीजियों की, मेरी माताओं की संख्या सबसे ज़्यादा है, तो मैं जितनी मेरी जीजियाँ आई है ना, ये कथा सुनने भी आई है ना, तो केवल अपने अकेले के उद्धार के लिए नहीं आई हैं, अपने परिवार के उद्धार के लिए, केवल अपने अकेले के लिए नहीं, संपूर्ण परिवार के उद्धार। जितना भी व्रत कर रही हो, जितनी साधना कर रही हो, जितना तप कर रही हो, ये सब परिवार के उद्धार है,
फैला। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा डोर हथो छड़ी ना मैं कटी जावांगी भोले मैं तेरी पतंग संभो मैं तेरी पतंग हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा डोर हथो छड़ी ना कटी जावांगी भोले मैं तेरी पतंग। एक विश्वास के साथ इस पंडाल में एक माता बैठी है जिसके घर में 21 साल के बाद औलाद हुई। ललिता साहू, नंद कुमार साहू, गणेश नगर, जामुल, भिलाई, छत्तीसगढ़, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। ललिता साहू, नंद कुमार साहू, मोबाइल नंबर ये है, और गणेश नगर, जामुल, भिलाई, छत्तीसगढ़ की रहने वाली है, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती है। पत्र को आप लोग एलईडी पर पढ़ सकते हैं और आस्था चैनल पर पढ़ सकते हैं। मैं ललिता साहू, पति नंद कुमार साहू, गणेश नगर, जामुल, छत्तीसगढ़, भोले बाबा की कृपा का मैं क्या गुणगान करूं, 21 वर्ष के बाद बाबा देवदत्त महादेव की कृपा से। गुरुदेव, ऐसा कोई डॉक्टर नहीं जिससे जांच नहीं करवाई। बच्चेदानी में परेशानी बता दी थी, डॉक्टरों ने बहुत इलाज किया, पर संतान का सुख डॉक्टरों ने भी मना कर दिया था। दुनिया के लोग 5 साल 6 साल इंतजार करते हैं, मैंने 10 साल तक इंतजार करा कि बच्चा होगा, पर नहीं हुआ। निकलते निकलते 21 साल हो गए, और 21 साल होने पर आपकी कथा पहली बार सुनी और सुनकर सफ़ेद आंकड़े की जड़ का उपयोग करा। जब सफ़ेद आंकड़े की जड़ को कमर में बांधा तब गर्भ नहीं ठहरा, फिर वापिस बांधा फिर भी गर्भ नहीं ठहरा, तीसरी बार फिर बांधा और बाबा की कृपा से गर्भ ठहर गया, और 21 साल के बाद मेरे घर में पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। ये शिव तत्व है, ये शंभु है, ओ घड़ी। कहीं बैठी हो ललिता साहू, पति नंद के तौर नंद कुमार साहू, गणेश नगर, जामुल, छत्तीसगढ़, कहीं बैठे हो तो बच्चे को लेकर आप व्यासपीठ पर आ सकते हैं। एक विश्वास की दृढ़ता देखिए। अब हम आपसे पूछे, जितनी माताएं बैठी हैं, मेरी जीजियां बैठी हैं, आप बताओ ईमानदारी से, 21 साल शादी को हो जाए और औलाद नहीं हो तो आशा रहती है क्या फिर? अरे बोलो तो जम के। लोग सोचते हैं अब क्या होगा, अब तो 21 साल शादी के हो गए, अब क्या संतान हो, अब क्या औलाद हो, अब क्या संतान का सुख होगा। पर उसने एक बार जड़ को बांधा, नहीं हुआ, दूसरी बार जड़ को बांधा, नहीं हुआ, तीसरी बार जड़ को बांधा, पशुपतिनाथ का व्रत किया, शंकर जी के मंदिर स्तुति करती रही कि अब जो देगा मेरा देव अधिदेव महादेव। भरोसा दृढ़ कर, विश्वास दृढ़ कर। और जब भरोसा पक्का हो जाता है ना, विश्वास दृढ़ हो जाता है ना, जब एक दृढ़ता बन जाए, एक भरोसा हो जाए, एक विश्वास पक्का हो जाए, तो मेरा महादेव देता जरूर है, थोड़ी देरी कर सकता है पर झोली भरता जरूर है, निश्चित। अच्छा, अब आप लोग बताओ, ये चिलचिलाती हुई धूप में 46-47 डिग्री टेम्परेचर में आप बैठे हुए कथा सुन रहे हो। अच्छा अच्छा, संत साधु भी इतनी चिलचिलाती हुई धूप में अपनी झोपड़ी में अपनी कुटिया में रहता है, पर उससे बढ़कर तुम हो जो चिलचिलाती हुई धूप में भगवान शंकर की अविरल भक्ति को पाने के लिए भर इस गर्मी में बैठे हो। कार्यकर्ता तो चिल्लाते रहेंगे, पानी का पाउच फेंकते रहेंगे, और तुम पानी के पाउच के चक्कर में ये कीमती हीरे को छोड़ दोगी, और बाद में 7 दिन ऐसे निकल जाएंगे और दुनिया की झोली भरा जाएगी और तुम्हारी झोली खाली रह गई, तो बाद में पछतावा होगा कि मेरे अमलेश्वर में कथा हुई और मेरी झोली खाली रह गई। चिल्लाने वाले चिल्लाएंगे, कार्यकर्ताओं का तो काम ही यही है कि वो किसी ना किसी तरह से तुम्हारी कथा को सुनने से डिस्टर्ब करेंगे, उनका काम ही यही है, कभी इधर से चिल्लाएंगे कभी इधर से चिल्लाएंगे, क्योंकि 1 बजे कथा चालू होती है। अगर सुनने वाले को अगर रुचि हो ना, सुनने वाले व्यक्ति को अगर रुचि हो तो सुबह 2 घंटे पहले आ सकता है, पर 1 बजे आएगा, सबको दबाएगा, धमकाएगा, चिल्लाएगा, चोट करेगा, तब अंदर घुसने का प्रयास करेगा। ये तो आदत है इन लोगों की। कोई कहेगा हमारे रिश्तेदार, कोई कहेगा हमारे रिश्तेदार, हमारा निवेदन है तुम्हारे रिश्तेदार है तो इनसे 5 लाख रुपए लेके बताओ अभी की अभी, 10 लाख रुपए लेकर बताओ अभी की अभी। अगर तुम्हारे रिश्तेदार है ना तो 10 लाख रुपए ले और कहो कि इन सब जितने लोग बैठे इनको मैं पानी पिलाऊंगा 10 लाख का चिल्ड वाटर, उसमें क्या दिक्कत है, इनको आने दो, उनको आने दो, उनके चक्कर में तुम भी कथा नहीं सुन पाओ। कार्यकर्ता भी पानी का पाउच फेंक रहा है, कल एक महिला का चश्मा टूट गया आंख का, और चश्मा टूटा तो टूटा, उसका कांच उसके आंख के पास में चुप गया, तुम्हारा क्या जाता, तुम तो फेंक दो। इस पंडाल के बाहर भी लोग धूप में बैठे हुए चिलचिलाती हुई गर्मी में, पानी के पाउच देना है, बोतल देना है तो उनको देकर आओ, और मेरी जीजियां इतनी मजबूत हैं कि तुम्हारे पानी के लिए नहीं आई। कथा का रस्तत्व हाथ से ना छूट जाए, उसका ध्यान करिए, कथा का रस्तत्व। कोई पुण्य प्रबल हुआ होगा जो अमलेश्वर की धरा पर मेरे हाटकेश्वर महादेव इस कथा को करवा रहे हैं, और हाटकेश्वर महादेव सुन रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं।
अपनी चित्तवृत्ति में एक विश्वास के साथ, एक भरोसे के साथ शिव की भक्ति को धारण करो। शिव भक्ति अड़भंग होकर शंकर के हो जाओ, अड़भंग होकर। समर्पण शिव पुराण है, तो समर्पण शिव पुराण का एक एक अंश याद रखना। समर्पण किसको कहते हैं कि अपने भीतर के सारे विकारों को, अपने आप को भगवान के भरोसे छोड़ देना। और मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे, मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे। सब कुछ समर्पित कर, पार्वती मैया शिव जी को देख रही, कंठ पर मां, हाथ पर विष को झेल रही, विष को झेल। स्त्री नारी माता वो तत्व है जो तुम्हारे भीतर के आधे से ज्यादा दुख को वो झेल लेते हैं, आधे से ज्यादा। एक स्त्री सबसे ज्यादा संख्या में मेरी माताएं आई हैं। क्यों आई हैं? परिवार के हित के लिए। क्यों आई हैं? आप कोई अपने बच्चे के हित के लिए, कोई अपने पति के हित के लिए, कोई अपने घर के हित के लिए आई है। कुछ अच्छा लेकर यहां से जाऊं, मेरे बाबा का गुणगान कर जाऊंगी, मेरे शंकर का स्मरण कर जाऊंगी, मेरे शिव को अपने दिल में बिठा कर जाऊंगी, तो मेरा देव अधिदेव महादेव मेरे मन की बात सुनेगा, जरूर सुनेगा। थोड़ा पीछा पकड़ना पड़ेगा, थोड़ा। कई माताएं कहती है कि हमने एक बार पशुपति का व्रत कर लिया गुरुजी, मेरा काम नहीं हुआ। हमने कहा ठीक है, फिर मैंने दूसरी बार भी करा, मेरा काम नहीं हुआ। एक माने पत्र में लिखा, मेरा नाम राधिका यादव है, मेरे पति का नाम श्याम यादव है। राधिका जी कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। मेरा नाम राधिका यादव है, पत्र को आप लोग एलईडी पर आस्था चैनल पर पढ़ सकते हैं। मेरा नाम राधिका यादव है, मेरे पति का नाम श्याम यादव है, मैं रायपुर की रहने वाली हूँ, मेरी शादी को 10 साल हो गया था। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकते हैं। मेरी शादी को 10 साल हो गया था, मेरी कोई संतान नहीं हुई थी। 10 साल मैं बाबा से, केवल 10 वर्ष में बाबा के द्वार तो नहीं गई, पर डॉक्टर और ना जाने कितनी कितनी जगह थी जहां जाकर मैंने प्रार्थना करी, तो भी मेरा गर्व नहीं ठहरा। गुरुदेव, 2022 से आपकी कथा सुनना प्रारंभ किया, 2022 से कथा सुनना प्रारंभ किया। आपने पशुपतिनाथ व्रत करने का बोला, सफेद आंकड़े की जड़ बांधने का बोला, मैंने सब कुछ किया, मेरी संतान नहीं। गुरुदेव, अब उस बहन ने जो लिखा है वो जरा लाइन पर आप स्मरण करिएगा, अगर आस्था चैनल पर पढ़ रहे हो तो। उसने लिखा, पशुपति व्रत किया है, हो सकता है कि बहुत सारी गलतियां हो गई हो, इसलिए मेरे बाबा ने मेरी गोदी नहीं भरी, हो सकता है। फिर उसने लिखा, मैंने व्रत करना बंद नहीं कर, 3 महीने का गैप करती, फिर व्रत कर लेती और बाबा को जल चढ़ाती रहती, विनती करती, बाबा के चरण धोती, मंदिर साफ करती और बाबा को प्रणाम करती कि मैंने सुना है कि तू दिए बिना रहता नहीं है, तो फिर मेरी झोली भी भर दे बाबा। 1 साल मैंने इंतजार करते करते निकाला, तब बाबा की कृपा से मेरे घर में 2023 में संतान की प्राप्ति हुई, मैंने पीछा नहीं छोड़ा। वो राधिका यादव लिख रही है, मेरा नाम राधिका यादव, ये मेरी जीजी लिख रही है राधिका यादव, और लिख रही कि मैंने भगवान का दरवाजा नहीं छोड़ा। आप में से कई माताएं ऐसी होंगी, कई बहन ऐसी होगी, कई भाई लोग ऐसे होंगे जो थोड़े दिन तक तो मंदिर जाते हैं, थोड़े दिन में भगवान नहीं सुनता, मंदिर जाना छोड़ देते हैं। थोड़े दिन तो भगवान का गुणगान किया, थोड़े दिन में भगवान ने नहीं सुनी, हमने छोड़। थोड़े दिन तो परमात्मा के दरवाजे पर गए, थोड़े दिन में नहीं सुना, हमने छोड़। नहीं, बोलबम का नारा है, जरा जम के बोलो, बोलबम का नारा है, सारी समस्या का हल। थोड़ा पीछा पकड़ना पड़ेगा, थोड़ा पीछा। और जब तक पीछा नहीं पकड़ोगे कुछ नहीं, कुछ। और जिद किसी दूसरे से नहीं कर रहे, पीछा किसी दूसरे का नहीं पकड़ रहे, जिद किसी दूसरे से नहीं कर रहे हो, इतना याद रखना, जिद आप अपने बाप से कर रहे हो, भगवान भोलेनाथ से कर रहे हो। जिद किसी दूसरे से नहीं कर रहे, आप किसी दूसरे के आगे हाथ नहीं फैला रहे, आप किसी दूसरे से जाकर विनय नहीं कर रहे, आप विनय कर रहे हो तो अपने पिता देवाधिदेव महादेव से कर रहे। भगवान
किसी दूसरे से नहीं। ओ रिश्ता तेरा मेरा सबसे प्यार, रिश्ता तेरा मेरा सबसे प्यार, तू मेरा बाबा मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा लाला, तू मेरा बाबा मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा लाला। किसी दूसरे से जिद नहीं। और अगर आस्था चैनल पर माताएं सुन रही हैं कथा, तो मैं उनसे निवेदन करूंगा, और जितने पंडाल में सुन रहे हैं छत्तीसगढ़ की इस पवित्र अमलेश्वर की भूमि से, जब तक झोली ना भर देना तब तक उसका दरवाजा छोड़ना मत, देगा जरूर ये पक्का। रोज जाओ शंकर के मंदिर में, एक लोटा जल चढ़ाओ, अपने नजदीक में शिव महापुराण की कथा हो तो उसको सुनने के लिए जाओ। करोड़ों गुना पुण्य इकट्ठा होता है तब जाकर यह कथा होती है, करोड़ों गुना। अगर आज ये पवन जी खंडेलवाल हैं, विशाल खंडेलवाल हैं, और ये मोनू साहू जी हैं और सागर खंडेलवाल जी हैं, अगर ये कथा करवा रहे हैं तो इनका तो पुण्य है, पर साथ में अमलेश्वर की पवित्र भूमि पर जितने भक्त रहते हैं इनका भी पुण्य है, इनका पुण्य है तब ये कथा हो रही है। इस कथा के बाद में एक कथा सोलापुर में होने वाली थी, जो 6 जून से होने वाली थी। अब देखिए पुण्य प्रबल हो तो कथा, पुण्य प्रबल नहीं होना तो पूरा टेंट पंडाल, जैसा आपका टेंट लगा है ऐसा पंडाल वहां भी लग चुका था, तैयारी हो गई थी सारी की सारी सोलापुर में, पर कुछ योग संयोग ऐसा बना कि वो कथा 6 तारीख को जो होने वाली थी वो सोलापुर की कथा कैंसिल हो गई। पुण्य प्रबल नहीं हुआ होगा, कहीं पुण्य की प्रखरता नहीं उत्पन्न हुई होगी, और क्या पता छत्तीसगढ़ वालों ने कैसा पानी चढ़ाया भोलेनाथ जी को। ना जाने कैसा जल चढ़ाया। हम हमेशा कथा में कहते हैं कि 5 पंडाल में कथा श्रवण करने वाले की मनोकामना पूर्ण होती है, तो ये 2 कथा तो यही हो गई, और सोलापुर के बाद बाकी छत्तीसगढ़ में कथा थी 18 तारीख वाली, और मालूम पड़े छत्तीसगढ़ वालों को फिर वो तीसरी। हम भी सोच में पड़े हैं कि ये कर क्या रहे हैं, छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया, जय जवाहर छत्तीसगढ़िया, महाकारी ने ऐसी कृपा कर दी तुम्हारे ऊपर, पूछो ना, इतनी शिव कृपा के बिना कुछ, शिव की उदारता के बिना कुछ। जब पुण्य प्रबल, बिलासपुर में कथा होने वाली थी, इतनी तैयारी हो गई, सारा पंडाल वंडाल सब लग गया, पुण्य प्रबल नहीं होगा, नहीं होगा। आलेकोसा होने वाली थी, पुण्य प्रबल नहीं हुआ होगा, नहीं। आमलेश्वर वालों ने हाटकेश्वर महादेव पे खूब जल चढ़ाया होगा, इसलिए ये कथा यहां पकड़ाई। बाबा से निवेदन करो कि ऐसी कृपा कर कि जीवन में मुझे सुख अनुभव। एक लड़के ने अपनी मम्मी से कहा, मम्मी तो रोज कथा सुनती है, टीवी के सामने बैठी रहती है, एलईडी टीवी चालू कर लेती है और बैठ के कथा सुनती रहती है, क्या टीवी के सामने कथा सुनने पर भी महादेव सुनता है। पत्र देखिए, मेरा नाम अंबिका बाई निर्मल कर, पति रमेश कुमार निर्मल कर, ग्राम समहर थाना तेंदुकोना तहसील बाग बहरा जिला महासमुंद में रहती हूँ। कहीं बैठी हूँ तो हाथ हिला सकती हूँ, अगर कहीं बैठी हूँ तो अपना हाथ हिला सकती हूँ। अंबिका बाई निर्मल कर, पति रमेश कुमार निर्मल कर, गुरुदेव मैं शंकर की कथा का वर्णन करूं। बेटा कहता था क्या शंकर भगवान टीवी पर कथा सुनने पर भी फल दे देते हैं, क्या हमारी मनोकामना पूर्ण हो सकती है। मेरा बड़ा पुत्र लोकेश कुमार निर्मलकर जो केवल टीवी के सामने बैठकर मुझसे बहस कर रहा है और मेरे से बोलता है क्या देवदत्त महादेव सुनते हैं। वो सीहोर वाला महाराज कहता है आसन लगाकर अगर जिसने दिल से 7 दिन की 5 दिन की शिव महापुराण की कथा सुनी तो बाबा झोली जरूर भरता है। आज मैं देखता हूं, मैं भी आसन लगाकर बाबा से प्रार्थना करता हूं कि मेरी सरकारी नौकरी लग जाए, तब मैं जानूं कि बाबा ने सुना। और गुरुदेव मेरे बेटे ने लोकेश कुमार निर्मलकर ने इंडियन आर्मी का फॉर्म भरा और इंडियन आर्मी का फॉर्म भरा और फॉर्म भरने पर जितनी जगह फॉर्म भरता था उसका कोई लेटर नहीं आता था, पर पहली बार मेरे बेटे ने जब फॉर्म भरा तो लेटर भी आया
और बाबा की कृपा ऐसी हुई कि उसकी मेडिकल कंप्लीट हो गई, फिजिकल कंप्लीट हो गई, और आज मेरा बेटा इंडियन आर्मी में नौकरी कर रहा है, उसका चयन हो गया। मैं बाबा को धन्यवाद दे, जिसका फोटो मैं पीछे लगा रही हूं, आप देख सकते, जिसका फोटो मैं पीछे लगा रही हूं, शिव तत्व। नीचे लाइन अच्छी लिखी, आप और हम सब मिलकर गुनगुनाएंगे, आप भी पढ़कर गुनगुना लेंगे साथ। और खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ बाहें पसारे, अपने हृदय से लगा लो गिरा जा रहा हूँ, उठा लो भोले अपने दर से अब तो ना टालो, गिरी जा रही हो उठा लो। शिव से करो वो लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने, ओ लुटा दिया भंडार। अरे लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने, ओ कर दिया माला माल काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने, ओ कर दिया माला माल काशी वाले ने, कर दिया लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने, ओ Thank you.
है उसकी नाव नटकी, जो लगन लगाया सच्ची है उसकी नाव नटकी, जो लगन लगाया सच्ची है उसकी नाव नटकी, जो लगन लगाया सच्ची है उसकी नाव नटकी, देरों को पार लगाया नहीं देर करी पल भर की, देरों को पार लगाया नहीं देर करी पल भर की, मिटा दिया जंजाल काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने, मिटा दिया जंजाल काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने, वो कर दिया माला माल काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने, जो सेवा हो पाया मिश्री मेवा, चरणों की किया जो सेवा हो पाया मिश्री मेवा, जिसने है मांगा बेटा वो चांद सब बड़ा पाया, जिसने है मांगा बेटा वो चांद सब बड़ा पाया, कर दिया मेरे खुशहाल काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने, कर दिया मेरे खुशहाल काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार 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 काशी वाले ने, वो कर दिया माला माल काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले, वो कर दिया माला माल काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले, कर दिया माला माल काशी वाले, कर दिया माला माल काशी वाले, स्थान पर बैठकर भगवान देवर ने महादेव से अपने मन की बात भाव के साथ दिल से प्रार्थना करिए, भाव से बाबा को निवेदन करिए, जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर भगवान ओगढ़दानी से भाव से भगवान से प्रार्थना करिए, जहाँ भी जगह मिले भाव से बैठकर प्रार्थना करो, मन से बाबा से निवेदन, बोलना आता है जिभ्या दी है बाबा ने तो साथ में बोलिए और प्रार्थना करिए, नमस्तु श्री शिवाय, नमस्तु श्री शिवाय, नमस्तु श्री शिवाय, नमस्तु श्री शिवाय, नमस्तु भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो, शिव शंकर जब तेरी माला, भोले बाबा जब तेरी माला, भोला
भोला सब दुख काटो मान, ओ भोला सब दुख काटो मान। वे हैं मंगल मंगलकारी, वैश्य है मंगल मंगलकारी, शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा, ओ भोला सब दुख काटो मान, ओ भोला सब दुख काटो मान। शिव कथा कह रही, एक विश्वास की दृढ़ता में थोड़ा जिद, किसी दूसरे से नहीं, अपने बाबा से अपन कर सके, किसी दूसरे से जिद नहीं करना। अगर जिद कर भी रहे हैं तो हमारे देव अधिदेव महादेव से, बोल बम का नारा है, अगर जिद कर रहे हैं तो हम अपने बाबा से, अगर कुछ बोल भी रहे हैं तो हमारे बाबा से, अगर कुछ कहना भी है तो हमारे बाबा से कहें। पूर्ण समर्पित हो जा, पूर्ण समर्पित। अच्छा ईमानदारी से बोलो कि मेरी जीजी और मेरे जीजा हो, जब नींद लग जाती है मोबाइल साइड में पड़ा रहता है, सोने की रकम गले में पड़ी की पड़ी रहती है, मोबाइल पड़ा, एसी का रिमोट पड़ा, सारा सामान तुम्हारा घर में पड़ा और तुम एकदम नींद में चकाचक सो रहे, बहुत पक्की नींद, बहुत पक्की, एकदम नींद में चकाचक सो रहे, बहुत पक्की नींद। अब जब तुम सो रहे हो, मोबाइल अलमारी तिजोरी सामान पैसा ढेला सब किसके भरोसे छोड़कर सो रहे, बोलो तो जमके। अब तुमने कहा अपनी पत्नी से, सुनो मेरा मोबाइल रखा है, मेरी ये सामान पड़ा है, और पत्नी से कहा कि ये मेरा मोबाइल रखा है, ये मेरा सामान पड़ा है, और मालूम पड़े पत्नी की भी नींद लग गई, उसने भी सामान वहीं पर छोड़ दिया, उसने भी वहीं पर छोड़ दिया, किसके साथ, किसके भरोसे, किसके आश्रित होकर। हम किसके आश्रित होकर जी, जैसे रात को सोते समय सारा सामान पड़ा रहता है और हमारा ध्यान नहीं दे पाते, क्योंकि वो हम जानते हैं कि हम घर के अंदर हैं, हमारा सामान सेफ है, हम घर के अंदर हैं, दरवाजा लगा है, कुंडी लगी है, सारा सामान हमारा पड़ा हुआ है, कोई लेकर नहीं जाएगा। उसी तरह जब तक ये मानव का शरीर है, जब तक ये मनुष्य का शरीर है, तब तक ये मानकर चलो कि हमें भोलेनाथ के आश्रित होकर जीना है, कि वो है तो हमें कोई चिंता। किसी ने बहुत अच्छा कहा, कोई कहे अमीर को रोते देखा है, अमीर को रोते देखा गरीब को रोते देखा, अमीर को रोते देखा गरीब को रोते देखा, केवल एक शंकर का भक्त ऐसा था जिसे इस कलिकाल में भी मुस्कुराते देखा, केवल एक महाकाल का भक्त ऐसा है जिसको इस कलिकाल में, इस कलियुग में भी मुस्कुराते दे, इस कलियुग शिव का भक्त शंकरो घड़ी का भक्त हड़भंगा भक्त मुस्कुराते। कलिकाल में अगर ये संसार सागर में दुख का दुख किसी का कम नहीं है, संसार सागर में ढेरों दुख है, पर शंकर पर जो भरोसा कर लेते हैं, शिव पर जो आश्रित हो जाते हैं, शंकर के भरोसे जो जीना चालू कर देते हैं, उनके चेहरे पर प्रसन्नता बनी रहती है, उनके चेहरे पर मुस्कुराहट बनी रहती है, उनके चेहरे पर एक आनंद की राशि बनी रहती है, मुस्कुरा देती है। शिव कथा कर रही है, शिव महापुराण ये 10 वर्ष के बाद जो संतान हुई है, एक बार जोरदार ताली बजाकर। शंभु शरणे मांगू घड़ी रे दुख का दया करी ने दर्शन, शंभु शरणे मांगू घड़ी रे
दुख का दया करी शिव तत्व जहां पर भगवान ओघड़दानी का जहां नाम है, जहां उच्चारण है, जहां स्मरण है, जरूरी नहीं कि आप शंकर को पहचान सकोगे। संसार में जन्म लेने वाला मनुष्य इतनी जल्दी शंकर को पहचान नहीं सकता, शिव को जान नहीं सकता। आप जब टीवी खोलेंगे तो टीवी खोलने पर भी आपको मालूम पड़ेगा तो कोई ना कोई शंकर की निंदा करने वाला मिलता ही रहेगा। आप जब जब टीवी खोलेंगे तब कोई ना कोई शिव की निंदा करने वाला मिल जाएगा। शंकर को जल मत चढ़ाओ, शंकर का चढ़ा हुआ मत खाओ, शंकर पर पानी मत चढ़ाओ, शिव मंदिर मत जाओ, ये तो शिवलिंग है, कहाँ तुम जल चढ़ाने जा रहे हो, कहाँ आचमन कर रहे हो। लोग निंदा करेंगे क्योंकि शिव को पहचाने नहीं है। उन्होंने शंकर को जाना ही नहीं, शिव को जान ही नहीं पा रहे। और जिस दिन भगवान देवदत्त महादेव को पहचान गए, जिस दिन, और केवल एक सांसारिक मनुष्य से ही मतलब नहीं है, आप शिव महापुराण को उठाकर देखेंगे तो भगवान ब्रह्मदेव भी शंकर जी को नहीं जान पाए थे। और ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु से पूछ लिया था तुम्हारे पिता कौन है, भगवान नारायण ने कह दिया था मेरे पिता भगवान शंकर हैं। जैसे ही कहा शंकर, हाँ, जैसे ही शिव जी का नाम लिया तो तुम्हारे पिता को हम देख पाएंगे। एक बड़े सारे पर्वत को घुमाना प्रारंभ करा, घर्षण करना प्रारंभ करा, पर्वत में से अग्नि का खंभ प्रकट हो गया, प्रथम शिवलिंग प्रकट हो गया। शिवलिंग प्रकट हुआ और प्रथम शिवलिंग प्रकट हुआ तो शिवलिंग को दुनिया के लोग तो जान नहीं सकते, दुनिया के लोग तो पहचान नहीं सकते। जरा विचार करिएगा, 33 कोटि देवी देवताओं में सबसे सरल देव अगर कोई है तो जम के बोल दो जरा कौन है, महादेव। एक लोटा जल चढ़ाया, स्पर्श किया, उतने में उसने कृपा कर दी, उतने में कृपा। एक यहां पर कोई भाई बैठा हुआ है जिसकी आंख में 7 साल पहले वेल्डिंग करते समय, लोहे की वेल्डिंग करते समय उसकी आंख के अंदर 7 साल पहले एक लोहे का तार, लोहे का टुकड़ा घुस गया था। 7 साल पहले, कितने वर्ष पहले जम के बोलो जरा, 7 साल पहले। देखिए, अगर बैठे हो तो हाथ हिलाइएगा। 7 साल पहले देखिए, कैमरा टीम से कि सबसे पहले उनकी आंख का फोटो एलईडी पर भी और आस्था चैनल पर भी दिखाएं। ये आंख जो एलईडी पर आप देख रहे हैं और आस्था चैनल पर आप देख रहे हैं, जिसमें उसकी आंख में लोहे का टुकड़ा घुसा हुआ है। 7 साल से उसकी आंख के अंदर लोहे का टुकड़ा घुसा हुआ था, 7 साल से। बड़े से बड़े डॉक्टर के पास में वो होकर आ गया, इसका नाम है रामेश्वर चौहान, मेरा मोबाइल नंबर ये है, मेरा पता आवंती भाई चौक कोहका भिलाई जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ का रहने वाला हूँ। कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाइएगा, हाथ हिलाओ, क्लोज करिए, हाँ उनको, हाँ ठीक है, दिख गए, एक बार वापिस हाथ हिला दो, वापिस हाथ हिलाओ, ठीक ठीक ठीक, दिख गए हो, दिख गए हो। श्री शिवाय नमस्तु जान, हो सके तो एक बेलपत्र लेने आ जाइए, आ जाओ। मैं कामेश्वर चौहान, मेरा मोबाइल नंबर यह है, आवंती बाई चौक कोहका भिलाई जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ का रहने वाला हूँ। मैं वेल्डिंग का काम करता हूँ, लोहे की कटिंग करते समय कटिंग का एक टुकड़ा मेरी आंख में, दाहिनी आंख में चला गया। तभी से मैं डॉक्टरों का इलाज करा रहा था, 7 साल मुझे इलाज कराते कराते हो गए, पर वो टुकड़ा नहीं निकला और मेरी आंख ठीक नहीं, आंख से दिखना बंद हो गया था, आंख खराब हो गई थी, पक गई थी, उसमें से मवाद 24 घंटे उसमें से मवाद निकलता रहता था। डॉक्टरों के हिसाब से तुम्हारी आंख कभी ठीक नहीं होगी, ये डॉक्टर ने कह दिया। ऑपरेशन करा, सफल नहीं हुआ, दूसरा ऑपरेशन करा, सफल नहीं हुआ, और वो आंख में से मवाद निकलता रहा। जब आंख में से मवाद निकलता रहा, सालों बीत गए, 7 साल निकल गए गुरुदेव, पर वो आंख में से मवाद निकलना बंद नहीं हुआ। फिर हमने 2022 में पहली बार आपकी कथा मोबाइल पर सुनी और मोबाइल से फिर हमने टीवी पर देखना चालू करा, टीवी पर देखना प्रारंभ करा, तब हमने शंकर जी के मंदिर में जाना प्रारंभ करा। 2023 में हम सीहोर गए, वहाँ का रुद्राक्ष लेकर आए, क्योंकि हमने सुना था कि सीहोर का रुद्राक्ष एक ऐसा रुद्राक्ष है जो औषधि का कार्य करता है। हम वहाँ से रुद्राक्ष लाए, तांबे के कलश में उसको गला लेते, शिव जी पर जल चढ़ाकर उस जल को आंखों से लगा लेते, दो बूंद आंखों पर स्पर्श करते, गुरुदेव मैं बाबा का क्या गुणगान करूं, जो 7 साल में नहीं हुआ मेरे बाबा ने 15 दिन के अंदर मेरा घाव भर दिया और उसकी आंख में से वो लोहे का टुकड़ा निकल गया, मेरी आंख से अब मुझे दिखना प्रारंभ हो गया। मैं अपनी दूसरी आंख का फोटो लगा रहा हूं, जिस आंख में टुकड़ा घुसा था उसके बाद में आंख मेरी साफ हो गई, उसका मैं फोटो लगा रहा हूं। पहला फोटो देखिए जिसमें उसकी आंख में टुकड़ा घुसा हुआ है लोहे का, और दूसरा फोटो देखिए जिसमें उसकी आंख क्लियर हो गई और बाबा की कृपा से ठीक हुई। ये शिव है, ये ओघड़ी है शंभू। और तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु,
लेते हैं श्वास तेरी कृपा से, बखान क्या करूं राखों के ढेर का, चपटी खजाना हे गंगधार मुक्ति द्वार, ओम भोले ओम आयो शरण किया शंभु। ये शिव उसको ओघड़ी कहते हैं। और मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरी माताओं, एक विश्वास मान कर जाना, कोई तुमसे कह दे कि शंकर की कथा में क्या मिलता है जाने से, तुम छाती ठोक कर कहना तू जाकर देख दुनिया की सारी दौलत उसी के चरणों में मिलती है। क्या मिलता है, क्या प्राप्त, शिव कृपा किसको कहते, शिव की उदारता किसको कहते। ठीक है आंखें बोलो, राइट आंख में जो लोहे का टुकड़ा घुसा था वो राइट हैंड की आंख, और बाबा देवाधिदेव महादेव की कृपा, इसी को कहते हैं बोलबम का नारा है। शिव तत्व की प्राप्ति का बंधु हो शंकर, शिव वो घड़ी ब्रह्मदेव नहीं पहचान पाते, ब्रह्मा नहीं पहचान। कोई जरूरी नहीं है कि संसार में जन्म लिया हर व्यक्ति शिव को जान सके। बहुत ध्यान दीजिएगा, सूर्य की रोशनी ओस की बूंद को भी मोती बना देती है, ओस की बूंद सूर्य की रोशनी में चमकती है और मोती जैसी प्रतिबिंब होती है। ओस की बूंद सूर्य की रोशनी का संग पकड़ती है तो मोती जैसी चमकने लगती है, और पृथ्वी पर जन्म लेने वाला मनुष्य जब शंकर के शिवलिंग का स्पर्श करता है तो वो भी हीरे जैसा चमकने लगता है, वो हीरे मात्र स्पर्श, हीरे जैसा मात्र स्पर्श। आप में से कितने लोग हैं जो शंकर जी को एक लोटा जल चढ़ाने जाते हैं, हाथ उठाओ जरा, बहुत बढ़िया, प्रणाम आपको, हर हर, बहुत बहुत साधुवाद, आपके चरणों को नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं, और अपने अड़ोस में, अपने पड़ोस में और अपने धड़ोस में जितने लोग रहते हैं सबसे कहा करो एक लोटा जल शंकर के मंदिर में जरूर चढ़ाया करो, जरूर। कोई लेट बनता है, कोई जल्दी बनता है, शंकर को जल चढ़ाने वाला एक दिन सेठ जरूर बनता है, वो देगा निश्चित। ब्रह्मा जी समझ नहीं पाए, ब्रह्मदेव नहीं जान पाए, ब्रह्मा जी की समझ में नहीं आए तुम्हारे पिता कौन है। भगवान नारायण ने कहा शिव मेरे पिता हैं, शंकर मेरे पिता हैं। भगवान नारायण एक मिनट का संकोच नहीं करे, और एक मिनट का बिना संकोच के नारायण ने कह दिया शंकर मेरे पिता हैं। कोई तुमसे पूछे कि तुम शंकर को क्या मानती हो, कोई तुमसे पूछे कि तुम शिव को क्या मानती हो, तो छाती ठोककर कहना शंकर मेरे पिता हैं, शिव मेरे बाप, पिता हैं। शिव मेरे पिता, शंकर को अपना मानता हूं, शिव को अपना। एक शिवलिंग प्रकट हो गया, एक शिव और जैसे ही एक शिवलिंग प्रकट हुआ, भगवान ब्रह्मदेव ने कहा मैं आपके पिताजी को जानना चाहता हूं, इस शिवलिंग का सिर कहां है, चरण कहां है, मैं देखना चाहता हूं। नारायण चरण देखने के लिए गए, ब्रह्मा जी शीश देखने के लिए गए, नारायण को चरण नहीं मिले, लौट कर वापिस आ गए। ब्रह्मा जी शीश देखने के लिए चढ़ते गए चढ़ते गए चढ़ते गए, केतकी का फूल तोड़ लाए, गौ माता का संग लेकर आ गए। भगवान देवाधिदेव महादेव के शिवलिंग के सामने झूठ बोल रही है गौ माता कि ब्रह्मा जी को शंकर भगवान का शीश मिल गया, केतकी के फूल ने झूठ बोला कि भगवान ब्रह्मदेव को शंकर भगवान का शीश मिल गया, दोनों ने झूठ बोला, शंकर भगवान ने श्राप दे दिया। शिव जी कहते हैं सुनो गौ माता, तुम मेरे शिवलिंग के सामने झूठ बोली हो, तुम्हारा पूरा शरीर पूजा जाएगा पर तुम्हारा मुख अपूज्य माना जाएगा, क्योंकि तुम झूठ बोल रहे हो। सुनो गौ माता, सारे देवताओं की परिक्रमा आगे से होगी, सारे दान आगे से होंगे,
केवल गौ दाने के साथ रहेगा जो पूंछ पकड़ कर किया जाएगा, और गौ माता तेरी परिक्रमा पीछे से चालू होकर पीछे विराम हो। और केतकी का फूल, तूने मेरे सम्मुख में झूठ बोला है, इसलिए सारे देवताओं पर तू चढ़ेगा पर महादेव पर कभी नहीं चढ़ेगा, कभी। शिवजी पर केतकी का फूल चढ़ाना नहीं चाहिए, और ना चढ़ाएं, बना शंकर के मंदिर में लेकर केतकी का। तूने झूठ बोला। अब जरा विचार करिएगा, केतकी के फूल ने झूठ बोला तो शंकर जी से वो दूर हो गया, गौ माता ने झूठ बोला तो वो शंकर जी के पास से दूर हो गए। अगर हम और आप इस संसार सागर में जन्म लेने के बाद अगर झूठ और प्रपंच में घिरे रहे तो हमें शिव कैसे प्राप्त, शंकर कैसे मिलेंगे, कैसे प्राप्त? प्रयास करो, पाप कर्म से थोड़ी सी दूरी हो जाए, असत्य से हमारी दूरी हो जाए, झूठ से हमारी दूरी हो जाए, प्रपंच से हमारी दूरी हो जाए, दिखावे से हमारी दूरी हो जाए। आज का समय बड़ा विचित्र है, लोग अगर एक व्यक्ति को कुछ दान भी देते हैं ना तो 50 बार दिखावा कर देते हैं कि हमने इतना दिया, दिखावे से दूरी कर दो। अभी इतनी संख्या में आप लोग बैठे हो, एक प्रश्न का उत्तर दीजिएगा, पाप पड़ता है क्या? जम के बोलो जरा जल्दी से, जम के बोलो, पाप करना पड़ता है? नहीं, करना क्या पड़ता है? पुण्य। पाप करना पड़ता है? नहीं, करना क्या पड़ता है? पुण्य। पुण्य करना पड़ता है, पाप करना नहीं पड़ता, पाप तो अपने आप हो जाता है, उसको करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, अपने आप होता है। पुण्य करना पड़ता है, पाप करने की जरूरत नहीं पड़ती, पाप अपने आप होता है। कुछ अच्छा कर रहे थे, झूठ बोल दिए, कुछ बहुत अच्छा करने का प्रयास किया, गलत काम हो गया, किसी के लिए अपशब्द निकल गया, ताने निकल गए, गलत काम हो गया, अड़भंग आड़े टेढ़े संबोधन निकल गए। हम तो यहाँ तक कहते हैं, ये शिव महापुराण की कथा अमलेश्वर में हो रही है, हम तो यहाँ तक कहेंगे, प्रयास करना, बन सके इस कथा में अपने हाथ से स्पर्श कर इस कथा को अच्छा करने का प्रयास करना, कथा हो रही है इसमें हाथ बढ़ाकर अच्छा करने का प्रयास करो। और अगर कथा होते होते में बीच बीच में अगर कहीं तुम अपनी टांग अड़ाओगे ना तो एक दिन बिना टांग के रह जाओगे, इसलिए हाथ आगे बढ़ाओ और कथा को अग्रसरता दीजिए, अग्रसरता। एक पत्र, सरिता बरठी रायपुर से हैं, मेरा मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती है, सरिता बरठी रायपुर से, मेरा मोबाइल नंबर यह है। एक लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव, आपकी वाणी ही शिव की वाणी समझते हैं। मेरी मम्मी के बारे में बताना चाहती हूं, 3 साल पहले उनकी हालत खराब हो गई और उनको डॉक्टर को दिखाया तो पता चला कि उनका आधा शरीर रह गया। गुरुदेव, मेरी माँ पलंग पर पड़ी रहती थी, ना उठ पाती थी, ना चल पाती थी, ना अपना कोई काम कर पाती थी, बिस्तर पर पड़े पड़े उनको खिलाना पिलाना, वाशरूम कराना, लेटक लेकर जाना, ये सब बिस्तर पर ही होता था, गंदगी भी बिस्तर पर होती थी और सब कार्य उनका बिस्तर पर होता था। 3 साल निकल गए, डॉक्टरों ने कहा इनको जो बीमारी हुई है, इनका शरीर जो हुआ है, इसका कोई इलाज नहीं है, इनको घर ले जाओ। घर ले आए, पड़ी रही 3 साल तक, डॉक्टरों का इलाज चलता रहा पर वो खड़ी नहीं हो पाई और उनका नीचे का पूरा शरीर काम करना बंद कर दिया। तब पहली बार हमारे पड़ोसी के कहने पर हमने शंकर के मंदिर में जाना प्रारंभ करा, शिव जी को जल चढ़ाना प्रारंभ करा। गुरुदेव, मेरे परिवार वाले गोंदिया महाराष्ट्र में रहते हैं, नरेश नेवारे, उन्होंने बेलपत्र के बारे में और जल के बारे में बताया, हमने वो जल और बेलपत्र अपनी माता को देना प्रारंभ करा और बाबा से कहा, बाबा आप कृपा करोगे तो सब कुछ हो सकता है। बीमारी से ग्रसित हो गई हैं, चल फिर नहीं सकती, पलंग पर पड़ी रहती हैं, गंदगी भी पलंग पर करती हैं, भोजन भी पलंग पर करती हैं, पड़ी हैं, बाबा कुछ कृपा करो। आज मेरे बाबा को मैं छाती ठोक कर कह सकती हूँ कि मेरी मम्मी आज अमलेश्वर की कथा में अपने पाँव से खुद चल कर आई हैं और बाबा की कथा में बैठी हैं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा, हाथ हिलाओ, टीवी पर दिखाओ, मैं दिख जाएंगे, कहाँ बैठी है, हाथ हिलाओ जरा एक बार। सरिता वरठी रायपुर से, कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा, इधर है क्या, हाथ हिलाओ एक बार, ठीक है, आ जाओ एक बेलपत्र ले जाना, आ जाओ। सरिता बरठी रायपुर छत्तीसगढ़ से, आ जाइए बेलपत्र ले जाना। माता जी आई हैं जिनके पाँव में तकलीफ थी, हाँ आ जाओ धीरे धीरे आ जाओ। 3 साल बिस्तर से नहीं उठी, 3 वर्ष,
ऐसा कोई डॉक्टर नहीं था जिसका इलाज नहीं करवाया 3 साल करने। और शिव भक्ति, शंकर का गुणगान, शिव का स्मरण सुख देता। और मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया, मेरी नैया का तू किनारा, मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा। एक दिल से करी हुई प्रार्थना, एक दिल से करा हुआ निवेदन, भाई नमाज करता हूं, एक दिल से करी हुई प्रार्थना, दिल से करा हुआ निवेदन, दिल से करी हुई विनती हमारे जीवन को सुखता प्रदान, आनंद। ब्रह्मा जी झूठ पर झूठ बोल रहे हैं। शिव महापुराण की कथा कहती है पाप करना नहीं पड़ता, पुण्य करना पड़ता है, पाप तो अपने आप हो जाता है, अपने आप। जितना बन सके पुण्य को बढ़ाने का प्रयास करो, पुण्य। दिल में अगर छल होगा, दिल में अगर पाप होगा, छल होगा, कपट होगा, बेईमानी होगी, हृदय में अगर पाप होगा तो ईमानदारी से बोलो क्या पशुपति व्रत काम करेगा? अरे बोलो तो मेरी जीजी, हाँ करेगा। दिल अगर साफ है, मन अगर साफ है, हृदय अगर साफ है तो ये निश्चित है कि पशुपति व्रत तुमने करा और देवाधिदेव महादेव ने तुम्हारी झोली खुशियों से। शिव महापुराण की कथा कहती है अगर दिल में किसी के पाप है, दिल में किसी के पाप है, हृदय में अगर निंदा भरी हुई है, दिल में अगर निंदा भरी, चुगली भरी, बेईमानी भरी, एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या भरी है, कपट भरा है, किसी के प्रति तुम अपशब्द बोल रहे हो, ताने दे रहे हो, और अगर निंदा भरी है, कपट भरा है, अपशब्द भरे हैं तुम्हारे अंदर, किसी दूसरे के प्रति ईर्ष्या का भाव भरा है, तो उस व्यक्ति के मुख से तुम कितना भी प्रवचन सुन लो, उस व्यक्ति के मुख से कितना भी भजन सुन लो, उस व्यक्ति के मुख से कितनी भी कथा रामायण सुन लो, उस व्यक्ति के मुख से कितना भी कीर्तन सुन लो, तुम्हें उस कथा का कोई असर तुम्हारे ऊपर होगा ही नहीं, कथा का असर नहीं हो सकता। और फिर निवेदन करूंगा इस व्यासपीठ के माध्यम से, कथा सुनने के लिए जाओ, कथा श्रवण करने के लिए जाओ, और कोई व्यास वक्ता अपनी व्यासपीठ से अगर किसी की निंदा कर रहा है, कोई व्यास वक्ता अपनी व्यासपीठ से अगर किसी के लिए अपशब्द कह रहा है, तो उसी समय पर खड़े होकर हाथ जोड़कर निवेदन कर कहिए महाराज जी हम भागवत रामायण गीता सुनने के लिए आए हैं, हम कथा सुनने के लिए आए हैं, हम किसी की निंदा सुनने के लिए नहीं आए, आप हमें निंदा मत सुनो। ये हमारा फर्ज, ये अपना फर्ज। आप किस लिए आए हो? भगवान की गुणगान सुनने के लिए। आप किस लिए आए हो? भगवान की कथा सुनने के लिए। आप किस लिए आए हो? भगवान शंकर को अपने भीतर विश्वास को प्रबल करने के लिए, भगवान शंकर के विश्वास को अपने भीतर प्रबल करने के लिए, भगवान शंकर की भक्ति को अपने भीतर विश्वास को प्रखर करने के लिए हम कथा में जाए। हम कथा में आए काहे को? कि हमारा विश्वास दृढ़ हो जाए, हमारा भरोसा पक्का हो जाए। इस कथा के पंडाल में एक बच्चा बैठा है जिसकी आंख से रोशनी चली गई, देखिए साल तक पलंग पे से नहीं उठ सकी, वो आपके सामने खड़ी हैं। चढ़ेंगी? चढ़ाओ चढ़ाओ, चढ़ेगी तो चढ़ाओ, धीरे धीरे जोरदार ताली बजाओ। जो 3 वर्ष तक पलंग पर से नहीं उठ पाई, डॉक्टर ने बीमारी बता दी थी जिसके कारण बस पूरा आधा शरीर इनका बेकार हो चुका। मैं नीता यादव, ग्राम बिरोड़ा, जिला महासमुंद से आई हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। नीता यादव
ग्राम बिरोड़ा जिला महासमुंद से आई हूँ। मेरे पति का नाम रीतराम यादव है। मेरा छोटा बेटा जिसको 5 वर्ष की आयु में आंख से दिखना बंद हो गया था। कितने वर्ष की आयु में जम के बोलो जरा, 5 वर्ष की आयु में, कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। नीता यादव ग्राम बिरोड़ा जिला महासमुंद से आई हूँ। 5 वर्ष का बालक जिसको आंख से दिखना बंद हो गया था, उसकी आंख की जो पुतली थी, जो आंख के अंदर पुतली थी, वो पूरी की पूरी सफ़ेद हो गई थी, जिसके कारण बस उसको दिखना बंद हो गया। मैंने पशुपति व्रत भी किया गुरुजी, पर आंख उसकी ठीक नहीं हो पाई। फिर मैंने शंकर जी के मंदिर में जाना प्रारंभ करा और शिव जी को जल चढ़ाकर उसकी आंखों में लगाना प्रारंभ करा। गुरुदेव, आपने शिवरात्रि की रात को 12 बजे वाला शहद का एक उपाय बताया, मैंने वो करा और बाबा की कृपा का मैं क्यों गुणगान करूं। गुरुदेव, जिसको 5 साल से दिखाई नहीं दे रहा था, 5 वर्ष की अवस्था का बेटा दिखाई नहीं दे रहा था, आज वो अपनी आंखों से पूरा देख लेता है। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आई। कहीं बैठी है, बच्चा आया है, लिया इस बच्चे को, लिया, हाँ लिया उसको, लिया। शिव तत्व इसी को कहते, ओ घड़ी शंभू इसी को कहते। और खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली ना जाता कोई, सब बोलिए, दर से तुम्हारे मैं भी खड़ी हूं नन्ही बाहें अपने हृदय लगा लो लगा लो, गिरा जा रहा हूँ उठा बोले अपने दर से अब तो ना टालो, गिरी जा रही उठा लो। ब्रह्मा जी झूठ बोल रहे, अपशब्द कह रहे, आड़ा टेढ़ा बोल रहे। क्रोध आ गया देवदी देव महादेव, पैर का नख तोड़ कर फेंका, काल भैरव प्रकट हो गए। काल भैरव से कहा, जाओ ब्रह्मा जी का जो मुख झूठ बोल रहा है, निंदा कर रहा है, उस मुख को काट दो। जो मुख निंदा कर रहा है, जो मुख झूठ बोल रहा है, उसको काट दो। शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान विष्णु ने देवऋषि नारद के मुख से शंकर की निंदा सुनी थी, तो भगवान विष्णु को घोड़े का मुंह लग गया था, हयग्रीव अवतार हो गया। देवऋषि नारद ने शंकर जी की निंदा करी थी, तो उनको बंदर का मुख लग गया था। इसलिए अभी कथा में आपको कहा, अगर कोई व्यास वक्ता, कोई अपनी पुराण वक्ता, अगर अपनी पुराण पर बैठकर किसी की निंदा करे, किसी के लिए अपशब्द बोले, तो पहले हाथ जोड़कर निवेदन करो, महाराज हम कथा सुनने के लिए आए हैं, निंदा सुनने के लिए आए हैं। कोई निंदा में डूबने वाला मिल जाए तुमको, और तुम्हें कथा के माध्यम से या अन्य चीजों के माध्यम से केवल निंदा कर रहा हो, केवल अपशब्द कह रहा हो, तो ऐसो के मुख से कथा सुनने का भी कोई सार्थक नहीं, कभी नहीं सुनना। निंदा को श्रवण नहीं करना है, ना निंदा करना है ना सुनना। बोलबम का नारा है, हम क्यों निंदा सुने, हम क्यों निंदा करें, हमें क्या करना निंदा से, हमें क्यों सुनना। और मेरी जीजियों, केवल फलाहार करने से उपास नहीं होता। मेरे जीजाओं, केवल फरियाल खाने से उपास नहीं होता, फलाहार करने से उपास नहीं होता। शिव महापुराण कहती है एक उपास और है, वो उपास है किसी की निंदा नहीं करना और निंदा नहीं सुनना। ये भी व्रत है, ये भी उपास है, ये भी व्रत है, ये भी उपास है। ना हम निंदा सुनेंगे ना निंदा करेंगे। ब्रह्मा जी ने निंदा कर दी, ब्रह्मा जी ने अपशब्द कह दिया, काल भैरव प्रकट होकर ब्रह्मा जी के सिर को काट दिए, सिर लुढ़कता लुढ़कता गया, ब्रह्मा जी के शरीर से रक्त निकलता रहा, शीश में से जो रक्त निकल रहा था उससे कर्मनाशा नदी प्रकट हो गई। ऐसी नदी भारत की भूमि पर उत्तर प्रदेश में आज भी वो नदी बहती है कर्मनाशा, जिसमें चिड़िया भी पानी नहीं पीती, जिसमें कुत्ता भी पानी पीने नहीं जाता, वो कर्मनाशा नदी आज भी उत्तर प्रदेश में बह रही है। उस कर्मनाशा नदी के घाट पर लिखा है, ये कर्मनाशा है इसमें हाथ ना धोइए, ये कर्मनाशा है इसमें पांव ना धोइए, ये कर्मनाशा है इसमें स्नान ना करिए। कर्मनाशा नदी जिसका जल आज भी शरीर पर लग जाता है, तो 71 पीढ़ी में अगर किसी ने पुण्य करा होता है तो वो पुण्य समाप्त हो जाता है और उस पर पाप कर्म लिप्त हो जाता है। कर्मनाशा ब्रह्मा जी के रक्त से प्रकट हो ब्रह्मदेव को। अब जरा विचार करो, झूठ बोलने वाले, गलत बोलने वाले के रक्त से नदी प्रकट हो गई, जिसको जीव जंतु तक पानी नहीं। विचार करिए जरा, जीव जंतु। इसलिए फिर कहेंगे, आप भी साथ में बोलेंगे, मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे वो मत कर, तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने
तेरे आगे आएगा, मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। एक बार जोरदार ताली बजाएं। इस बच्चे की आंख की जो पुतली थी, जो काला वाला भाग रहता है वो पूरा सफेद था, पर देवाधिदेव महादेव की कृपा से नेत्र की ज्योति वापिस आई है और देखना प्रारंभ करा। एक बार जोरदार ताली, शिव तत्व की कृपा, शंभु ओ घड़ी है शंभु, और बिना शिव कृपा के झूठ से दूर हो जाओ, प्रपंच से दूर हो जाओ, छल से दूर हो जाओ, निंदा करने वालों से दूर हो जाओ, निंदा सुनने वालों से दूर हो जाओ, हमें निंदा ना तो करना ना सुनना। ब्रह्मा जी का कर्मनाशा नदी प्रकट हो गई, ब्रह्मा का सिर तो भी झूठ बोलता रहा। तब उसी समय पर जब ब्रह्मा का सिर झूठ बोल रहा था, भगवान नारायण ने शिव जी से प्रार्थना करी, आप कृपा करिए, ब्रह्मा के सिर को लोग ठुकरा देंगे, अपशब्द कहेंगे, आप कुछ कृपा करो। तब ब्रह्मा के सिर को भगवान शंकर ने बट वृक्ष बना दिया, बड़ का पेड़ बना दिया और बट वृक्ष का निर्माण कर दिया। शंकर भगवान से भगवान नारायण बोले, इस बड़ के पेड़ को तो कोई पूजेगा नहीं, आप कृपा करोगे तो सब हो सकता है। शंकर भगवान कहते हैं, जिस को दुनिया ठुकरा देती है वो मेरी शरण में आ जाता है तो उसकी भी पूजन कराने की जवाबदारी मेरी हो जाती है, उसको पूजवाने की जवाबदारी मेरी है। शंकर जी कहते हैं, इस बड़ के पेड़ के नीचे मैं स्वयं विराजमान होऊंगा, मेरा नाम बटकेश्वर महादेव होगा, इस बड़ के पेड़ के नीचे मैं स्वयं विराजमान, स्वयं शिव विराजमान। इसीलिए कहते हैं, अरे मिलना बड़ा जरूरी, ओ मिलना बड़ा जरूरी, हाँ मिलना बड़ा जरूरी काशी वाले से, मिलना बड़ा जरूरी काशी वाले से, मिलना बड़ा जरूरी भोले बाबा से, मिलना बड़ा जरूरी भोले बाबा से, मिलना बड़ा जरूरी, ओ मिलना बड़ा जरूरी, ओ काशी वाले से मिलना बड़ा जरूरी, भोले वाले से मिलना बड़ा जरूरी, ओ भोले भंडारी से मिलना बड़ा जरूरी, भोले भंडारी से मिलना बड़ा जरूरी। दोनों हाथों से पीछे वाले भी, पवन बसंत की जो पवन के आती, जो मैं होती बेल चमेली चरणों में बिछ जाती, जो मैं होती बेल चमेली चरणों में बिछ जाती, बन सकी मैं हवा का झोंका, बन सकी मैं हवा का झोंका, ये मेरी मजबूरी काशी वाले से मिलना बड़ा जरूरी, भोले वाले से मिलना बड़ा, ओ मिलना बड़ा जरूरी, मिलना बड़ा जरूरी, मिलना बड़ा जरूरी, भोले भंडारी से मिलना बड़ा जरूरी, भोले भंडारी से मिलना बड़ा जरूरी, काशी वाले से मिलना बड़ा जरूरी। काली बदरिया चम चम नीर बहाती, जो मैं होती काली बदरिया चम चम नीर बहाती,
होती कारी बदरिया चम चम नीर बहाती। जो मैं होती कारी बदरिया चम चम नीर बहाती। गरज गरज के बरस बरस के तुमको नित कहलाती। गरज गरज के बरस बरस के तुमको नित कहलाती। बन न सकी मैं कारी बदरिया बन न सकी मैं कारी बदरिया। ये मेरी मजबूरी काशी वाले से मिलना बड़ा जरूरी। काशी वाले से मिलना बड़ा जरूरी। ओ भोले बाबा से मिलना बड़ा जरूरी। भोले बाबा से मिलना बड़ा जरूरी। ओ मिलना बड़ा जरूरी। मिलना बड़ा जरूरी। मिलना बड़ा जरूरी। मिलना बड़ा जरूरी। ओ काशी वाले से मिलना बड़ा जरूरी। काशी वाले से मिलना बड़ा जरूरी। भोले भंडारी से मिलना बड़ा जरूरी। भोले भंडारी से मिलना बड़ा जरूरी। ओ काशी वाले से मिलना बड़ा जरूरी। स्थान पर बैठकर भगवान शिव जी से अपने मन की बात बड़े भाव के साथ दिल से प्रार्थना करिए। आनंद के साथ बाबा को विनय करिए। देव आदि देव महादेव आपके मन की बात को स्वीकार करें ऐसा विनय करिए। सब साथ में बड़े दिल से बोलेंगे, बाबा से प्रार्थना करेंगे, अपने मन की बात बाबा से कहेंगे। श्री शिवा नमस्तु। 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 भोला सब दुख काटो। ओ भोला सब दुख काटो। शिव शंकर जपो तेरी माला। भोले बाबा जपो तेरी माला। भोला सब दुख काटो। ओ सब दुख काटो। वेश है मंगल मंगलकारी। वेश है मंगल मंगलकारी। शमशान वासी हमारा। शमशान वासी हमारा। ओ भोला सब दुख काटो। ओ भोला सब दुख काटो। भगवान शिव की कथा कह रही है, देवादिदेव महादेव का चरित्र कह रहा है। एक विश्वास की जागृतता रखी, एक भरोसे की दृढ़ता रखी। भगवान शंकर का नाम वटकेश्वर महादेव पड़ गया। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों प्रकट हुए, तीनों का आनंद समाहित हुआ। और जोरदार ताली बजाएं ब्रह्मा विष्णु महेश के लिए। आज हमारे मोनू साहू जी के पुत्र छोटे बेटे का आज जन्मदिन भी है, उसको भी बहुत बहुत साधुवाद है। क्या नाम है उसका बालक का? वंश साहू का जन्मदिन है। एक बार जोरदार ताली बजाकर उनको साधुवाद बहुत बहुत। आज कथा का द्वितीय दिवस यहाँ पर विराम की ओर है, कल कथा का तृतीय दिवस रहेगा। आपसे निवेदन है, धूप बहुत तेज पड़ रही है, छाता लेकर चलो, बिछाने की दरी साथ लेकर चलो, पानी की दो बोतल लेकर चलो, सोना चांदी हीरा मोती कुछ लेकर नहीं आना, केवल बाबा की कथा सुनने के लिए आना। दिल से कथा सुनो और अपने जीवन को आनंदित होइए, अपने जीवन को आनंद में डूबिए। हर हर जय जय श्री राधे। सभी भक्तों को हर महादेव सदा जय श्री राधा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। व्यासपीठ को नमन करते हुए हम सबके प्रिय हम सबके लाडले ठाकुर कलू जी महाराज के चरणों में नमन करते हुए परम सत्य परम आदरणीय विश्व विख्यात पूज्य गुरुदेव के पावन चरणों को नमन करते हुए और आप सभी श्री भक्तों के चरणों में नमन करते हुए सुंदर हम सभी ने आज दूसरे दिवस की कथा श्रवण करी। सुंदर आरती का समय भी हो चुका है। आरती में जिन भक्तों के नाम मंच से लिए जाएंगे व्यासपीठ के मंच पर पधारें। श्री पवन जी खंडेलवाल, श्रीमती उमा देवी जी खंडेलवाल, विमला देवी जी खंडेलवाल, कविता जी खंडेलवाल, गणेश जी खंडेलवाल, सागर जी खंडेलवाल, चेता जी खंडेलवाल, प्रमिला देवी जी खंडेलवाल, विशाल जी खंडेलवाल, इशिका जी खंडेलवाल, मनोज जी खंडेलवाल, प्रियंका जी खंडेलवाल, कोमलाल जी साहू, दुलारी भाई जी साहू, मोनू जी साहू, संगीता जी साहू, वंदना साहू, ममता साहू, मोहन जी साहू, जानकी जी साहू, कृष्णा साहू, भुवनेश्वरी जी साहू, बड़े ही आदर समाज समझ में बता रहे हैं। सुंदर आरती का आनंद हम सभी मिलकर लेंगे। जय जय श्री राधे। हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय शिव ओंकारा। भोले भज शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव। भोले भोले कार महाशिव। हरे राधे राधा। हरे 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 महाप्रभु। हे कानन चतुरानन पंचानन राधे। भोले पंचानन राधे। हरे 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 ह
जिसके पास उम्मीद है वो कभी हार कर भी नहीं हारता।